ले गो आज आज अच्छा अच्छा नमस्कार दोस्तों, एक बार जल्दी से जल्दी आ जाएं भाई सारे के सारे, एक बार जल्दी जल्दी आ जाएं भाई सभी के सभी स्टूडेंट, और मुझे बता दें कि क्या आपको आपकी स्क्रीन ये क्लियर दिखाई दे रही है? जो भी स्क्रीन पर लिख रखा है क्या क्लियर दिखाई दे रहा है भाई? कमेंट में कमेंट करके मुझे बता दे भाई जल्दी जल्दी, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे भाई। जल्दी जल्दी मुझे बता दें। नमस्ते भाई, नमस्ते महेश, नवीन कुंडू भाई, नमस्ते मोहित, वशिष्ठ, कितने गए गुरुजी? आगे गुरुजी भाई, गुरुजी थारे आगे खड़े हैं। जल्दी जल्दी भाई, मैं तो वैसे तुम्हें से रिक्वेस्ट करूंगा अपने छोटे भैया से कि जल्दी जल्दी ना शेयर करो, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो, और सारे भैया ने बुला लो अपनी क्लास रूटीन, यानी कि रूटीन में रहोगे भाई, रेगुलर रहोगे डेली, कुछ ना कुछ नया लेकर आऊंगे वोकैब सेशन। अगर हमने आज वन वर्ड स्टार्ट करे हैं तो वन वर्ड ही हम कंटिन्यू करते रहोगे, जब तक हमारे पूरे नहीं हो लेते हैं। जल्दी आओ भाई। मोहित वशिष्ठ, क्लियर है सर? ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद। क्लियर है तो भाई समझ में भी क्लियर आओगा। पंकज मल्होत्रा, जय हो महेश भाई, कति ओके सर? तो भाई कति ओके है तो कति स्वाद अनुवाद देंगे क्लास में, पूरा स्वाद क्लास में आओगा। अरे वाह भाई, नवीन कुंडू, लोजी स्टडी बिब्लियो बुक, अरे वाह भाई वाह, नवीन कुंडू पता है तना दो, वाह भाई वाह। तो भाई जल्दी एक मिनट और है आपके पास, जल्दी जल्दी इसको शेयर करें जितना शेयर हो सके। शेयर करने का सिर्फ मकसद इतना सा है कि जितने बच्चे भी आज तक दूर थे उनको नजदीक लेके आओ भाई, काम करेंगे अपना शुरू। शाबाश, जल्दी 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 जुड़ो भाई, वेरी गुड। क्लियर है ना आवाज भाई? अगर हम अपना काम शुरू करें तो आवाज क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दे भाई अगर आवाज क्लियर है तो, एक बार कमेंट करके बता दे ताकि हम अपनी क्लास शुरू करें। तो भाई मैं आपको इतना बता दूं कि आज जो हम करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पता होगा, ये हम पहले भी आपको क्लास में करवा चुके हैं, मैं इनसे आगे भी करवा देता आज, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कम से कम उन बच्चों को तो फायदा हो जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, कम से कम उन बच्चों को तो फायदा हो। पंकज सर, तो भाई ये आज इसलिए मैं दोबारा से आपको रूट वर्ड्स इसलिए करवा रहा हूं, ये रूट वर्ड्स आज मैं इसलिए से करवा रहा हूं क्योंकि आने वाली क्लास जो होगी, कल जो लाइव क्लास हमारी होगी, इनसे रिलेटेड जितने भी वन वर्ड हमारे जितने भी हैं, चाहे वो 100, 200, 300, 400, 500 जितने भी वन वर्ड इससे रिलेटेड है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि कल लाइव क्लास के अंदर आपके सामने वो होंगे। आपको पता है सारे के सारे स्टूडेंट बड़े समझदार हैं, प्रतीक बागड़ी भाई, दैया साहब, तो हिमांशी दैया, सॉरी हिमांशी दैया भाई, तो देखो आपको ये पता है, आपको पता है कि ये रूट वर्ड हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कितना फायदा इनका होगा, क्योंकि मैं यहां पे आपको बता देता हूं जितने भी फोबिया से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड होंगे इनसे हमारे क्लियर हो जाएंगे भाई, जितने भी हमारे साइड से रिलेटेड हैं वो भी क्लियर होंगे, जितने भी यानी कि मैं कहूं जितने भी किलिंग से रिलेटेड है, किलिंग से रिलेटेड जो भी हैं, फियर से रिलेटेड जो भी हैं वो हमारे यहां से क्लियर होंगे, जितने भी फियर से रिलेटेड हैं, जितने भी हमारे करेंसी से रिलेटेड होंगे यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे वो भी हमारे यहीं से क्लियर होंगे। आज हम सिर्फ ये करेंगे, उसके अलावा जितने भी गैम से रिलेटेड हैं, जितने भी मैरिज से रिलेटेड होंगे वो भी हमारे यहीं से क्लियर होंगे।
और भी बहुत सारे हमारे हैं जितने भी मानिया से रिलेटेड है, मैडनेस से रिलेटेड है, वो भी यहीं से क्लियर होंगे। तो मेरा मेन पर्पज ये था ये क्लास लेके आने का कि आने वाली क्लास जो कल हमारी होगी उस क्लास के अंदर मैं आपको ये सारे के सारे आप क्लियर करवाऊंगा। जितने भी लॉजिस्ट हमारे होंगे, जितने भी डॉक्टर होंगे, लगभग लगभग मैं आपको बता दूं 200 से 300 वन वर्ड हमें याद हो जाएंगे। 300 से ज्यादा ज्यादा वैसे से हो भाई इसे हमारे जो है ना याद हो जाएंगे। दिनेश सैनी साहब, प्रतीक, तो भाई हम जो है कमेंट करके बताते रहे भैया, आवाज जिस टाइम भी आवाज़ बंद हो जाए, क्लियर ना सुनाई दे या आपको स्क्रीन ना दिखाई दे तो बता देना, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो वर्ड है लॉजी। लॉजी वर्ड आपको जहां पर भी मिले उसका मतलब होगा स्टडी। लॉजी वर्ड आपको जहां पर भी मिलेगा उसका मतलब ही स्टडी होगा। ये हमें रिलेट करेंगे वन वर्ड के साथ, किस तरह रिलेट करेंगे। अगर मैं आपको कहूं एंथ्रोपोलॉजी, सिंपल सा वर्ड, मैं अगर यहां पर लिखूं एंथ्रोपोलॉजी, तो हमें ये पता है इस वर्ड में लॉजी आया है, लॉजी। और अगर लॉजी आया है तो इसका मतलब ये किसी न किसी की स्टडी का जिक्र कर रहा है, किसी न किसी की स्टडी का जिक्र कर रहा है। तो लॉजी मीन्स होता है स्टडी। अब एंथ्रो वर्ड आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा एंथ्रो मीन्स होता है मेन, स्टडी ऑफ मेन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो यानी के ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे, याद करेंगे एक तरीके के साथ, एक ट्रिक के साथ हम याद करेंगे, और ट्रिक होंगी बिल्कुल देसी, बिल्कुल सिंपल, जो आपको याद होंगी। पहला सब बी पेशेंस, आराम से बैठो, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तो पहला सब हमारा है लॉजी। क्लास में जैसे कि आप अभी मेरे सामने बैठे हो भाई, सारे के सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और वो कह रहे हैं लो जी हमने अपनी स्टडी शुरू कर दी और आप शुरू करवा दो। लो जी हमने अपनी स्टडी को शुरू कर दिया है। लो जी हमने अपनी स्टडी शुरू कर दी है। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियो से आया। बिब्लियो वर्ड जहां मिलेगा उसका मतलब होगा बुक। बिब्लियो वर्ड का मतलब होता है बुक। और इस तरह हम याद करेंगे कि बिब्ली वर्ड जब हमारे अंदर से निकला, बिब्ली वर्ड हमारे अंदर से निकला तो दो चीज दिमाग में आई, एक तो याद आई बबली और एक दिमाग में आया बाइबल। जब इस शब्द को देखेंगे तो दिमाग में दो ही चीज आएंगे, या तो बबली या बाइबल। अगर बाइबल नाम हमारे दिमाग में आता है तो बाइबल नाम की एक है किताब, बुक। और बिबली यानी कि बबली याद आया तो याद करेंगे बबली नाम की लड़की पढ़ती है किताबें, बबली नाम की लड़की किताबें पढ़ती है, इस तरह हम याद करेंगे भाई। अगला वर्ड हमारा जो होगा मोनो। अगला वर्ड हमारा है जो आपको दिखाई दे रहा है, अगला वर्ड हमारे सामने जो है वो मोनो है। और मोनो की अगर हम बात करें, मोनो का मीन्स होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। याद किस तरह करेंगे कि मोनू, मोनो से याद आया मोनू, मोनू अपने माँ बाप के एकला है, अपने माँ बाप के मोनू एकला है, इस तरह हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बाई। बाई से आया टू, यानी कि बाई कितने हैं दो। बाई वर्ड आप बोलोगे तो बाई से आया बाई कितने हैं दो। और डाई इसका मतलब ये होता है दो। डाई बाई और दाई दोनों कितने हैं दो। बाई और दाई दोनों दो हैं। अगला शब्द इसी के अंदर मैं लिख देता हूं एमबी मीन्स भी होता है टू। एमबी मीन्स भी होता है टू। इसी के अंदर मैं कर दू डो, डी यू ओ, जो डो मीन्स भी होता है दो। तो बाई दाई आम भी खावे हैं दो। बाई और दाई आम भी खा रहे हैं कितने दो। अगला वर्ड आया पोली।
अब भाई हमारे पास पेन है, पहले इस पेन पे जो कैप लगती थी या जो अभी भी लगती है, जो पेन के ऊपर जो कैप होती है, हम अपनी देसी स्लैंग में बोलते हैं कि भाई या मेरे पेन की है पोली, या मेरे पेन की है पोली। तो पोली भाई पेन का कितनी हुआ है मैनी, पेन का कितनी पोली भाई, पेन का पोली है मैनी, यानी कि बहुत। तो इस तरीके से हम इनको याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा ओमनी। जय कोई भी भाई फिजिकल की तैयारी करे है और फिजिकल की तैयारी करते टाइम उसका पैर मुझ्या है, उसका पैर अगर मुझ्या है तो उसके पैर में मॉस आने के बाद वो लगा लेगा ओमनी जेल। ओमनी जेल, ओमनी जेल कौन लगाएगा? ओमनी जेल लगाएंगे ओल, यानी कि सभी के सभी अपने पैर में मॉस आने के बाद क्या लगा लेंगे? ओमनी जेल। दोबारा से मैं एक बार धीरे धीरे बात करता हूं। मोनू अपने माँ बाबू का एक है, भाई दाई अंबी खावे हैं दो, पैना के पोली है गणी, ओमनी जेल लाएंगे सारे। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। इसमें जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, उनको पता है, उनको ये याद भी है। मैं उम्मीद भी करता हूं कि भाई वो आगे से आगे इन शब्दों को बोल भी रहे होंगे। अगला वर्ड जो हमारे सामने है वो है थियो, थियो वर्ड। और थियो वर्ड की अगर बात करें तो थियो का मीन्स होता है गॉड, यानी कि भगवान। थियो मीन्स है गॉड। याद किस तरह करेंगे? अपने वही बिल्कुल देसी सी लैंग्वेज की थायो, थियो। थियो वर्ड अगर आप बोल लोगे बार बार तो फिर से आपके अंदर से आवाज आएगी कि थायो। किसका थायो? थायो भगवान का, भगवान का थायो। अगला शब्द जो हमारे सामने है वो है एंड्रो। एंड्रो मीन्स आई एम मैन। और अगर बात करें एंड्रो के कोड वर्ड की तो इस वर्ड को अगर पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में है एंडी, यानी कि एंड। एंड होती है किसमें? आदमी में। आदमी में क्या होती है भाई? एंड। दोबारा से बोल दूं, थायो भगवान का। अगला शब्द बोल दूं, एंड्रो एंड है आदमी में। इस तरीके से याद करेंगे भाई। मैं फिर कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इतने इंपॉर्टेंट कि आपको सारे के सारे वन वर्ड ये याद करवा देंगे जो हम कल ऑनलाइन क्लास के अंदर इनसे रिलेटेड लेके आएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है एंथ्रो। एंथ्रो से फिर से एम एन। याद किस तरह करेंगे? मैंने कहा एंथ्रो, अंत तक रहो। एंथ्रो, अंत तक रहो। किसके साथ? आदमी के साथ। हमें साथ किसका देना चाहिए? जो जिसके अंदर इंसानियत हो। तो इसलिए कहते हैं अंत तक रहो मैन के साथ। नेक्स्ट वर्ड है गैर। गैर से आया ओल्ड मैन। घरों में हम समझते हैं अपने जो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, दादा दादी जी हो जाते हैं, उनको हम अक्सर समझ लेते हैं, अक्सर समझ लेते हैं कि वो तो घर के अंदर एक गैर पर्सन है, हम उसकी सेवा क्यों करें। तो इसलिए कहते हैं कि गैर कौन होता है घर में? गैर ओल्ड मैन होते हैं, ओल्ड मैन। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है पैडी। पैड से याद आया चाइल्ड। और याद किस तरह करेंगे इसका कोड वर्ड? तो मैंने कहा पैड, पैड। क्रिकेट खेलते हैं तो पैड बांधते हैं, कहते हैं कि भाई तू ना एक काम कर पैड बांध ले। कहता भाई क्यों? कहता है तू बच्चा है कहीं तेरे को चोट ना लग जाए। तो पैड क्यों बांधने को कही भाई? पैड इसलिए बांधने को कहा ताकि बच्चे को चोट ना लगे। तो पैड मतलब चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है गायना। तो गायना वर्ड से याद आया विमेन, और विमेन से याद करेंगे कि गायें। गायें की प्रवृत्ति की जो होती हैं, गायें की प्रवृत्ति की जो होती हैं, गायें के जैसे जो शरीफ जो होती हैं वो विमेन होती हैं। इस तरह हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फैमी। फैमी वर्ड से भी आया विमेन। याद किस तरह करेंगे? याद करेंगे कि गलत फहमी मत रखो अपने दिमाग में। अपने दिमाग में ज्यादा गलत फहमी मत रखो भाई। किसके बारे में? किसी भी विमेन के बारे में। इस तरह हम याद करेंगे। आप बार बार इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वर्ड करते हैं नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एवी वर्ड। यहां पर आया एवी मीन्स आया बर्ड्स की, कहता है कि एवं एवं
एवं ही उड़ जाते हैं। कौन? बर्ड्स जो हैं वो एवं ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आया, नेक्स्ट वर्ड आया ऑर्निथो। ऑर्निथो मीन्स भी होता है बर्ड, एवं का मतलब भी बर्ड्स होता है, ऑर्निथो का मतलब भी बर्ड्स होता है। ऑर्निथो को इस तरह याद करेंगे, और नहीं थे, और नहीं थे, क्या नहीं थे? बर्ड्स नहीं थे, एवं ही उड़ गए थे बर्ड, वहां पे और नहीं थे। नेक्स्ट वर्ड आया आयन। डॉग्स यानी कि कायर, कायन याद करेंगे, कायर, कायर कौन होते हैं? कायर होते हैं डॉग्स। डॉग्स क्या होते हैं? कायर। नेक्स्ट वर्ड आया क्राई। क्राई मीन्स चिल्लाना, क्राई मीन्स रोना, और क्राई अगर वर्ड आपको क्राई किसी वन वर्ड के अंदर मिले तो मतलब होगा कोल्ड से, मतलब क्या होगा? कोल्ड से। इंसान ज्यादा क्राई तब करता है जब उसे ज्यादा कोल्ड लगे, ठंड लगे। तो इस तरीके से हम इनको याद करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड वर्ड्स, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको ये चीजें याद भी होंगी, वो ऑनलाइन क्लास कल की भी जरूर लें, क्योंकि कल क्लास के अंदर इनसे रिलेटेड ही काम होगा। इस क्लास का फायदा तब होगा जब जाके हम इसको रूटीन में करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है डेंड्रो। डेंड्रो वर्ड क्या है? प्लांट्स। बोटेनो भी प्लांट्स होता है और हर्बी भी क्या होता है? प्लांट्स। तीनों वर्ड का मतलब प्लांट्स होता है। याद किस तरह करेंगे? डेंड्रो वर्ड से आया कि भाई ज्यादा डेंड्रफ कब होगा? ज्यादा डेंड्रफ कब होगा? जब आप प्लांट्स में ज्यादा रहोगे, पेड़ पौधों में ज्यादा रहोगे। नेक्स्ट वर्ड आया बोटन। तो एक हमारा होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो पार्ट आपको पता होगा, एक तो होता है जियोलॉजी, एक होता है बोटनी। उस जियोलॉजी के अंदर तो आता है कि भाई जीव विज्ञान, और अगर मैं बात करूं बोटनी की तो बोटनी के अंदर आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, तो बोटनी से हम याद करेंगे वनस्पति यानी के प्लांट्स। नेक्स्ट वर्ड आया हर्बी। हर्बी से फिर से आया प्लांट्स, कि हर्बी यानी के हरे भरे जो होते हैं, हरे भरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? हरे भरे होते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आया HELI यानी कि हेली। याद करेंगे कि हमारी पुरानी ऐसी हेली हुआ करती थी जिसके अंदर सनलाइट आती थी। हमारी हेली ऐसी होती थी जिसके अंदर सनलाइट आती थी। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आया होल्टी। आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट वर्ड हमारा है होल्टी। होल्टी वर्ड से अगर बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर जो होता है, फूल पत्तियों की खेती जो होता है, उस होल्टी का मीन्स होता है गार्डन्स। होल्टी का मीन्स क्या होता है भाई? गार्डन्स होता है। कहता है ऐसी ऐसी होक्टियां, ऐसी ऐसी होक्टियां, हुक्के का जो छोटा जो रूप होता है उसको कहते हैं होक्टी। कहते हैं जो होक्टियां जो है वो गार्डन में रख के लोग पीते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया हिप्पो। हिप्पो मीन्स हॉर्स। आपको याद करना होगा हीमोग्लोबिन ब्लड, आपको याद करना होगा ब्लड, आपको याद करना पड़ेगा हीमो से बना ब्लड। नेक्स्ट वर्ड आया हेट्रो और होमो। दोनों वर्ड आपको याद हैं, दोनों आपको याद रखने भी पड़ेंगे। हेट्रोजीनियस आपने सुना होगा, होमोजीनियस आपने सुना होगा, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। तो वहां पर हेट्रो का मीन्स होता है अपोजिट और होमो का मतलब होता है सेम। इस तरह आप याद करोगे। नेक्स्ट अगर बात हम करें तो अगला वर्ड हमारे सामने जो है और। अब कहते हैं भाई अब किसी के घर चले जाए तो कहता है ले भाई खा ले खाना, खाना तो खा लिया, बार बार कहता है ले और ले ले, और खा और खा, और क्या कर? ईटिंग, और ईट कर और खाना खा। तो वर मीन्स होता है ईटिंग। पैगो, पैगो मीन्स भी होता है ईटिंग। कहता है जब पैग मारते हैं ना पैग, तो कहता है पैग कहां मारे? पैग के साथ तो साथ में क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ खाने का होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड करते हैं पैरो। पैरो मीन्स होता है फायर। एक इंसान कहता है कि मैं इतना प्यार करता हूं कि प्यार में आग लग जाती है। पैरो, पैरो से करेंगे प्यार, और प्यार में क्या लगी? फायर, आग लगी। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें पिल्लो। पिलो से आया लव, और घर में जिसको हम तकिया कहते हैं, पिल्लो कहते हैं, उस पिल्लो से हम याद करेंगे कि जो पिल्लो जो है, पिल्लो पे मुझे आया लव, पिल्लो पे आया प्यार। नेक्स्ट वर्ड अगर बात करें तो थर्मो, जो थर्मामीटर जो होता है वो हीट मापता है।
थर्मामीटर क्या मापता है भाई? हीट मापता है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें आपके सामने तो वर्ड है हाइड्रो, और हाइड्रो बताने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो सबको पता है कि हाइड्रो मीन्स वॉटर होता है और एक्वा, एक्वा मीन्स भी क्या होता है? वॉटर होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लैप्टो, उसने क्लैपिंग की, क्लैप्टो वर्ड से आता है क्लैप्टो, क्लैपिंग, क्लैपिंग वर्ड अलग है, बट क्लैपिंग वर्ड अगर हम बोल रहे हैं तो क्लैप्टो बोलते समय या क्लैपिंग बोलते समय ऐसा लग रहा है जैसे कि सेम सा वर्ड हो, यानी क्लैप्टो, क्लैपिंग। जबकि जब मेरे पड़ोस में, मेरे नेबर में किसी के घर क्या हुई? स्टीलिंग, पड़ोस में चोरी हुई, मैं क्या कर रहा था? क्लैप्टो कर रहा था, क्लैपिंग कर रहा था। मिथ से आया झूठ, कहता उसने मेरी मत मार ली, मिथ यानी कि उसने मेरी मत मार ली, उसने मेरी मत मारी झूठ बोल करके, झूठ बोल करके उसने मेरी मत मार ली। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है मानिया, मानिया से बात करें मैडनेस, और मैडनेस मीन्स वह पागलपन। कहता है बा कि बच्चे का बिगड़ गया निमोनिया, बच्चे का क्या बिगड़ गया? बच्चे का निमोनिया, निमोनिया मैनिया, निमोनिया, निमोनिया के अंदर आया मैनिया, निमोनिया बिगड़ गया, बालक हो गया पागल। अगला शब्द अगर बात करूं मेरे भाई तो वर्ड आया साइड, में बोला थोड़ा साइड हो ले, क्या कर देगा? तो ना मार दूंगा तेरी, किलिंग कर दूंगा, थोड़ा साइड हो ले। तो साइड से आया किलिंग, क्रेसी से आया गवर्नमेंट, तो याद किस तरह करेंगे? कहता कड़े की, क्रेसी, कहता कड़े की सरकार है, क्रेसी कड़े की सरकार है। बोला आर्ची, आर्ची, आर्ची यानी कि आर्ची से याद करें अच्छी सरकार है, कड़े की सरकार है, आर्ची सरकार है, तो क्रेसी मीन्स भी गवर्नमेंट और आर्ची मीन्स भी गवर्नमेंट। और फोबिया, आपको सबको पता है कि फोबिया मीन्स होता है फियर। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो आया मैडन, मैडन आवर कौन सा निकाल दिया? कहता है मैंने अपना फर्स्ट ओवर, यानी कि मैंने अपना मेडन ओवर कौन सा निकाला? फर्स्ट, मैंने अपना फर्स्ट ओवर कैसा निकाल दिया? मेडन निकाल दिया। भाई मैं एक बार इनको करवा दूं, मैं बाद में आप पे रिप्लाई करूंगा कमेंट्स के हेत में, इनको कंटिन्यू करवा दूं ताकि बीच में फ्लो ना टूट जाए आपका ध्यान, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट ना हो जाए। मैं पहले इनको कंटिन्यू करूंगा, बाद में आपके रिप्लाई करूंगा। मानिया मीन्स एग्रेसिव, बिल्कुल ठीक कहा भाई, हिमांशी धुवन बिल्कुल ठीक कहा, और ऑब्सेशंस भी होता है मानिया मीन्स। और प्रदीप सिंह जी, जय हो भाई, जय हो प्रदीप। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करते हैं मिसो, मिसो मिस होता है हेट, कहता है ज्यादा मिस उसे मत करो, ज्यादा मिस उसे मत करो जो तुमसे नफरत करता है, उसे कभी भी मिस मत करो जो तुमसे नफरत करता है। और क्रोम, गूगल क्रोम सबके फोन में होगा, हाउस क्रोम मीन्स होता है कलर, यानी कि गूगल क्रोम के अंदर होते हैं कलर। और कोरियो, कोरियोग्राफर जो होता है डांस सिखाता है सबको पता है। और अगर जो हो बच्चा थोड़ा सा ना समझ नादान या पहली बार पढ़ रहा हो तो इसको पढ़ेगा छोरियों, छोरियों को क्या पसंद है? डांस पसंद है, इसलिए याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनो, क्रोनो मीन्स होता है डेट या टाइम। मैं आपको कह रहा हूं, जो मेनली बच्चे जो डिफेंस के हैं, वैसे एसएससी की भी डेट अनाउंस हो चुकी है एग्जाम्स की, और जो बच्चे मेनली जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर उनका एग्जाम है और अगस्त में उनका एग्जाम है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि करो, करो नो, करो ने, करो ने तैयारी। क्यों? क्योंकि तैयारी करने का डेट या टाइम आ गया है, इस तरह हम इनको याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है कोस्मो, कोस्मो मीन्स दिया, यूनिवर्स, कहता है कोस्मो यानी कि कसम खाता है, कोस्मो यानी कि कसम खाता है कि किसकी? यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की कसम खाता है कि ये इसे कॉस्मोपॉलिटन बनता है जो अपने देश की तरह पूरी दुनिया से प्यार करे, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो यानी कि यूनिवर्स वर्ड से रिलेटेड वो वर्ड होगा जहां पर भी वन वर्ड के अंदर
कोस्मो वर्ड लगा होगा, और कहता है कोड वर्ड क्या बना के कसम खाता है किसकी, पूरे यूनिवर्स की कसम खाता है। नेक्स्ट वर्ड आया कारट, कार्ट से आया मैप्स, और कारट पे उसने पूरे के पूरे कारट के ऊपर मैप बना दिए, यानी कि उसने कैरेट का, कैरेट से याद कर लो मेरे भाई गाजर, कैरेट, कैरेट से याद कर लो, उसने कैरेट का क्या बना दिया, एक पूरा नक्शा बना दिया। ग्लॉट, ग्लॉट से आया लैंग्वेज, एक वर्ड होता है कि सर वो बच्चा ना मुझे ज्यादा गाली ग्लोच दे रहा है, वो बच्चा मुझे ज्यादा गाली ग्लोच दे रहा है, तो जो ग्लोच वर्ड आया, गाली ग्लोच, ग्लोच वर्ड आया, उस ग्लोच से मुझे याद आया ग्लॉट, उसने मुझे ज्यादा गाली ग्लोच दी, यानी कि ग्लॉट दी, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर भाषा, गाली ग्लोच किसमें दी, एक भाषा में, एक लैंग्वेज के अंदर। ग्नोसी, ग्नोसी मीन्स होता है नॉलेज, कहता है मैंने गणेशी को न्या, ग्नोसी यानी कि मैंने गणेशी को न्या, ग्नोसी मैंने गणेशी को न्या के नॉलेज। कोई बच्चा कहता है देखो सर मेरे को गणेशी नॉलेज नहीं है, तो ग्नोसी मीन्स नॉलेज। वर्बो, वर्ड्स, कहता है ज्यादा वर्ब याद करोगे, ज्यादा वर्ब याद करोगे तो ज्यादा वर्ड आपको याद करने को मिलेंगे, ज्यादा वर्ब याद करोगे तो ज्यादा वर्ड आपको याद करने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो लोगो, लोगो से मुझे करनी है बात, लोगो से अभी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट यहां पर जुड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे हर किसी लोग से बात करनी है, मुझे लोगो से क्या करनी है, टॉकिंग, बात करनी है। सिस्मो, सिस्मो मिसाल अर्थक्वेक, यानी कि एक सीसम का पेड़, खेत में एक शीशम का पेड़ था, उस शीशम का पेड़ उखड़ गया जब अर्थक्वेक आया, जब भूकंप आया। स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो मिरर, यानी कि स्पेक्ट्रो से याद करा स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स जो मैंने लगा रखा है, स्पेक्ट्रो से याद करा स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल में क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। आइकोनो, मैंने कहा भाई एक काम करना, मेरा एक फोटो लेना, मैंने कहा कि ये ले फोन, ये ले फोन और मेरा एक फोटो ले ले, तो उस फोटो का मींस होता है लाइट, ध्यान से सुना, उस फोटो का मींस होता है लाइट। और मैंने कहा कि सर फोटो कोन्या आई, आई कोन्या केना आई, फोटो सर फोटो नहीं पिक्चर, उस आइकोनो का मीन्स होता है पिक्चर, और जो फोटो आप वर्ड यूज करते हो उस फोटो मीन्स होता है लाइट। नेक्स्ट अगर बात मैं करूं आपसे तो वर्ड है टॉक्सी, टैक्सी में लेटा दिया क्योंकि जहर खा रखा था, टॉक्सी टैक्सी, टैक्सी में लेटा दिया क्योंकि जहर खा रखा था। आपने सुना होगा डी फार्मेसी बी फार्मेसी, जो डी फार्मेसी बी फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर जो होते हैं वही तो खोलते हैं, और जो फार्मेसी वाले होते हैं वो ज्यादातर ड्रग्स का व्यापार करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं। पैथो, जो होम्योपैथिक आपने सुना होगा, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, जो होम्योपैथिक वाले जो होते हैं वो डिजीज यानी कि बीमारियों का इलाज करते हैं, होम्योपैथिक वाले बीमारियों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड आया डिप्सो, यानी कि डिप्स, एक बच्चा ज्यादा डिप्स मारता था, ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा लॉकडाउन के अंदर उसने ज्यादा डिप्स वगैरह मार ली, लेकिन डिप्सों के साथ साथ वो दारू भी पीता था, वाइन्स भी पीता था, वाइन भी पीता था, दारू भी पीता था। ग्राफ, ग्राफ के ऊपर उसने क्या किया, एक ग्राफ के ऊपर पूरा ग्राफ था, उस ग्राफ के ऊपर उसने, उसने पूरे ग्राफ के ऊपर लिस्ट या राइटिंग कर दी, एक लिस्ट बना दी गई वही। नेक्स्ट है कैली, कैली मीन्स होता है ब्यूटी, कहता है मास्टर जी वो दिखण में काली है लेकिन उसकी सुंदरता का अंदाजा फिर मन नहीं है, दिखने में तो है काली लेकिन उसकी ब्यूटी का अंदाजा सिर्फ मुझे ही है। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं काको, काको मेरा काको, मेरा जो काका है वो बड़ा बुरा है, काको मेरा जो काका है वो बड़ा बुरा है। नेक्स्ट वर्ड निकटो, निकोटिन जो होता है वो रात को लिया जाता है, निकटो, निकटो से आ रहा है निकोटिन, निकोटिन जो है रात को लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आया डेमो, आप में से कुछ बच्चे न्यू भी जुड़े होंगे,
या आप कभी किसी एकेडमी पे, किसी इंस्टीट्यूट पे, कहीं पर भी, किसी क्लास के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर आप डेमो लेने गए होंगे। तो कहता है डेमो लेने कौन आया था? कहता है सर बहुत सारे पीपल आए थे। नेक्स्ट वर्ड, पास में डेमो नो आकर खड़ी हो गई, डेमो नो। पास मो, पास में डेमो नो आकर खड़ी हो गई, यानी कि मुझे लगा जैसे कि भूत आकर खड़ा हो गया हो, घोस्ट। पास में कौन आके खड़ा हो गया? सर घोस्ट। पास में कौन आ गया? घोस्ट। डेमो नहीं आई, सर ऐसा लगा जैसे कि भूत। तो इस तरह हम याद कर लेंगे भाई। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं, निक्रो, कहता है कल जब मैंने वो देखा तो वो निक्कर निक्कर में था। निक्रो, वो तो निक्कर निक्कर पहन के आया था, सॉरी वो तो निक्कर निक्कर पहने हुए था जब मैंने उसे उसकी डेड बॉडी देखी। जब उसकी डेड बॉडी में देखा ना वो, तो उसने निक्कर पहन रखी थी। होडो, होड लगी हुई है ट्रेवलिंग में, होडो होड लगी हुई है। मैं उससे आगे, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे, आप बाजार वगैरह के अंदर रोड पे देखते होगे, होड लगी होती है किसमें? ट्रेवलिंग में। नेक्स्ट वर्ड आया एंग्लो, एंगल किसका खराब है? इंग्लिश का। अब जो इंग्लिश आप सीख रहे हो उसमें बहुत सारे वर्ड दिखेंगे बिल्कुल सेम सेम, मतलब अलग अलग मिलेगा, आप बोलने में एक जैसे होंगे, मीनिंग अलग मिलेगा, इसलिए कहता है एंगल खराब ज्यादा है इंग्लिश का। इंग्लिश का ज्यादा एंगल खराब है भाई। जिनो और जीरो, गैरो कह लो, जिनो कह लो, यानी कि जीरो, यानी कि जीरो से याद करो इसको। अगर मैं यहाँ पर जेड लगा दूं तो आप जीरो से याद करो, कहता है जीरो स्ट्रेंजर है, यानी कि यहाँ पर एक भी स्ट्रेंजर नहीं है। जेनो से याद करेंगे कि जेन्युइन लोग होते हैं, जो फॉरनर्स जो होते हैं वो बड़े जेन्युइन लोग होते हैं। इस तरह आपको याद करना पड़ेगा इन चीजों को। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, आपको मतलब पता है। जू में गए होंगे बहुत सारे बच्चे, मोस्टली गए होंगे, तो जू के अंदर क्या होते हैं भाई? एनिमल होते हैं। उसके बाद जो वर्ड है वो आपको पता है, उनको हम कर रहे हैं। टोनी कुमार जी, जी थैंक यू सर, टोनी कुमार जी, मनीष पुनिया, राम राम मास्टर जी, राम राम भाई, राम राम साहिल सिंह, नाइस वीडियो सर, थैंक यू भाई। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है मैट्री, यानी कि मैट्री याद करेंगे, मातृ, मातृभूमि, हमारी मातृ, यानी कि मातृ से याद है माँ। पैत्री पिता, पैत्री पिता, मैत्री माता। शोर किया सिस्टर ने, सोरोरी, शोर किया सिस्टर ने। पैररी, पैररी से याद है पैर, पैर, पैर पकड़ो पेरेंट्स के, पैर किसके पकड़ो भाई? पेरेंट्स के पैर पकड़ो भाई। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आया फैट्री, फैट्री यानी कि भ्रात्री। भ्रात्री कौन है भाई? ब्रदर, भाई। रेजी, राजा था, सॉरी रेजी यानी कि राजी था कौन? किंग। रेजी यानी कि राजी था कौन? राजी था भाई, किंग राजी था। फंगी, फंगस, कवक, याद करना पड़ेगा। मेरिटी यानी कि जब भी आई, मेरिट से याद करेंगे, जब भी आई मेरिट किसको आई? हस्बैंड को, हस्बैंड को क्या आई? मेरिट। इस बात से उगजगी, उगजोरी, उगजोरी कौन उगजगी? वाइफ, उगजोरी वाइफ, और मैरिड किसको आई? हस्बैंड को, याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपको याद करना पड़ेगा एंटो, और इंसेक्ट्स होता है, कीड़े मकोड़े होता है, याद आपको करना होगा। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं, एमी, एमी नाम का कोई इंसान है जो मेरा फ्रेंड है। नेक्स्ट वर्ड याद करें एंथो, एंथो से याद करेंगे जब किसी का अंत हो जाता है तो उस इंसान के ऊपर फ्लास यानी कि फूल चढ़ाए जाते हैं भाई, एंथो से आया फ्लास। इको याद करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट आपको याद भी होगा ये तो। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं, फोइटी यानी कि फोए के जैसा होता है, बिल्कुल जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है कौन? फेटस यानी कि भ्रूण जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, फोए के जैसा होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है होमी, होम के अंदर होते हैं ह्यूमन बींग। होमी, होम में ज्यादा कौन होते हैं? ह्यूमन बींग होते हैं। जेन्युइन लोग जो थे, जेनो यानी कि जेनी लोग जो थे वो अपने वंश के साथ आए थे, रेस वंश, वंश हम याद करेंगे। जेनी लोग, जेनो से याद करेंगे, जेनी लोग जो आए थे वो अपने वंश के साथ आए थे। ऑटो, ऑटो चलती है सेल्फ, अपने आप।
न्यू न्यू होता है प्लूटो, प्लूटो ग्रह, प्लूटो ग्रह पे जब जाएंगे, जब हमारे पास बहुत सारा मनी होगा, प्लूटो मीन्स मनी। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो होगा वो होगा अरिस्टो। और क्या किया इस सरकार ने, क्या किया, अरेस्ट करवा दिया उन लोगों को जो लोग ज्यादा नोबल परिवार के थे। अरिस्टो, अरेस्ट करवा दिया नोबल परिवार के लोगों को। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरो। ब्यूरो मीन्स ऑफिशियल, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, सुना होगा। ब्यूरा, ब्यूरा कौन देते हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग ज्यादा ब्यूरा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैं करूं काकी, वर्स्ट, मारी काकी बेकार है, वर्स्ट, इस तरह हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया पेंटी, यानी कि ऑल, यानी कि पेंट जो पहनते हैं वो ऑल, यानी कि सभी पेंट पहनते हैं, इस तरह हम याद करेंगे भाई। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है ओली, यानी कि आज भी बारिश का मौसम है, आज भी बारिश हो रही है। मैं कहता हूं आज तो पड़ गए ओले, ओले यानी कि ओले पड़ गए, कितने पड़े जी, एफ्यू, थोड़े, यानी कि ओले गिरे थोड़े, यानी कि ओले यानी कि ए फ्यू यानी कि कुछ। पैंट पहनते हैं सभी लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है एक्रो। जब मैंने उसकी दीवार को अक्रॉस किया तो मुझे उसकी हाइट से डर लगा। एक्रो मीन्स हाइट। एर्गो याद करना पड़ेगा, वर्क यानी कि एर्गो से याद रहेगा, एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर याद रह सकता है, इग्रो, इग्रो यानी कि एग्रीकल्चर में क्या हो करते हैं लोग, काम करते हैं। एगोरा, एगो से याद करेंगे, एगो मीन्स होता है पहले, पहले होते थे ज्यादातर ओपन प्लेसेस, खुले स्थान। बाथो से याद करेंगे डेप्थ, यानी कि जब मैं बात करता हूं, नहाने के लिए जाता हूं, बात करने के लिए जाता हूं तो मुझे गहराई से डर लगता है, डेप्थ होता है मतलब। एरो, एयर से एयर रहा, एरो से एयर रहा, एरोप्लेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कार्डियो। जब उसने मुझे कार्ड दिया तो मेरा दिल टूट गया, कार्डियो यानी कि हार्ट। ऑटो, पूछता हूं उसके होठों के बारे में, बताता है अपने कानों और नाकों के बारे में। ENT, ईयर नोज थ्रॉट यानी कि ऑटो। रहीनो, नोज, छोरा तो देखण जोगा रहा है नहीं, रहीनो, रहा है नहीं, क्यों, छोरे का नाक टूट गया यानी कि नोज। डर्मो, डर्मी कुल लगाया जाता है स्किन के ऊपर, डर्मो यानी कि डर्मी कुल ज्यादातर स्किन के ऊपर लगाया जाता है, तो डर्मो से याद करेंगे स्किन। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है एलरो, जो हम सर याद करेंगे, कैट हमें याद रखना पड़ेगा। लेक्सिको, लेक्सिस से याद करेंगे डिक्शनरी, यानी कि ये आपको याद करना होगा, यानी कि यहां से अगर मैं एम कर दूं तो शायद आप याद करोगे कि मेक्सिको, यानी मैं कहता हूं कि सर मेक्सिको देश में क्या हुआ था, मैं कहूंगा सर डिक्शनरी लिखा गया था, कहाँ लिखी गई थी, मेक्सिको देश में लिखी गई थी। इस तरीके से हम इसको कोड बना लेंगे कि लेक्सिको पढ़ते टाइम लेक्सिसो से हम इसको मेक्सिको पढ़ लेंगे, बस इतनी सी बात आपको करनी है। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड है सर गैस्ट्रो, यानी कि गैस, स्टमक, यानी कि गैस कहाँ बनती है ज्यादातर, गैस ज्यादातर स्टमक यानी कि पेट के अंदर बनती है। एंड्रो याद करना पड़ेगा भाई, ग्लैंड्स, न्यूरो, न्यूरो नर्व सिस्टम, ये भी बिल्कुल सेम है, आपको याद ही करना होगा। औरतों से बना बोन्स, यानी कि औरतों की ज्यादा कमजोर होती है क्या, बोन्स, हड्डियां। कैट्रो याद करना पड़ेगा, डॉक्टर, यानी कि काट देते हैं, कैट्रो यानी कि काट देते हैं कौन, डॉक्टर ज्यादातर लोगों को काट देते हैं। इस तरीके से हमारी ये रूट वर्ड्स थी सारे के सारे, जो हमने रूट वर्ड्स की, और इन रूट वर्ड से रिलेटेड जो हैं वो वन वर्ड, वो हम नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर आपके सामने करेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि एक बार और आप इनको अपने आप खुद अपने रूम में बैठ के इनको देखें, तो जिससे नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उस क्लास के अंदर इनसे रिलेटेड जितने भी वन वर्ड है वो हम करेंगे, और इनके याद होते ही आपको 60-70% वन वर्ड आपको याद हो जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना सा, और हर एक स्टूडेंट को नमस्ते भाई, गौतम शर्मा नमस्ते, हैप्पी वशिष्ठ, मान गए गुरु जी, आप तो नहीं मान गए भाई, तो पूरी क्लास में रहे हम, हैप्पी भाई, और टोनी कुमार, थैंक यू भाई, तो सभी के सभी स्टूडेंट को गुड नाइट।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी क्लास के अंदर जुड़े रहे, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम। आज के लिए इतना सा।